13 लोकसभा क्षेत्रों की बैठक में शुक्रवार को बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं बीजेपी यूपी लोकसभा चुनाव प्रभारी जयप्रकाश नड्डा ने कहा कि यूपी का वातावरण बता रहा है कि जनता ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, एक तरफा मत डालने वाले हैं। उनका कहना है कि प्रथम चरण के चुनाव के नामांकन में जो सरगर्मियां देखने को मिली हैं वो स्पष्ट बताता है कि लोगों ने भाजपा के पक्ष में मन बनाया है। उन्होंने कहा कि इस बार 73 नहीं 74 सीटें भाजपा जीत कर आएगी। जमीनी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, फेज के आधार पर तैयारियों की योजना बनी है। जमीनी स्तर पर जो तैयारियां हुई हैं उसके हिसाब से, जो वातावरण है उस हिसाब से हम तैयारियों का खाका तैयार कर रहे हैं। ये एक दो दिन की एक्सरसाइज नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में लंबी एक्सरसाइज जमीनी स्तर पर हुई है। जिस तरह से सभी समाज के वर्ग भाजपा में शामिल होने का आतुर हैं, ये इस बात को बताता है कि किस प्रकार से भाजपा के पक्ष में माहौल है। नड्डा ने कहा कि यहाँ की कुछ सीटों का विषय है, उस पर जल्द ही फैसले होंगे। यहाँ की भी कुछ सीटें रह गई हैं, उस पर भी फेज वाइज सीटों को जल्द ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी जो कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है उससे भी ये देखता हूँ कि मोदी जी और भाजपा को यशस्वी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं यूपी लोकसभा चुनाव प्रभारी जयप्रकाश नड्डा ने कहा, आज गोरखपुर क्षेत्र के 13 लोकसभा के सभी प्रभारियों से, संयोजकों से और हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष और संयोजक के साथ हमारी बैठक है। चुनाव के सिलसिले में तैयारियां, उस विषय पर आज हमारी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में जो मैं वातावरण देख रहा हूं वह स्पष्ट ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने का मन तय कर लिया है। एक तरफा मत लोग डालने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं मोदी जी को, ऐसा हमें स्पष्ट दिख रहा है। प्रथम चरण के चुनाव में जो वातावरण वहाँ और जो चुनाव की गर्मियाँ और सरगर्मियाँ वहाँ देखने को मिली हैं वह स्पष्ट बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मन बनाया है। इस अंदाज को लेकर के मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार 73 नहीं 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उससे ज़्यादा हासिल करेगी। जमीनी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, फेज वाइज तैयारियों की योजनाएं बनी हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के साथ और हमारे शुक्ला जी के साथ और क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी के साथ हम जमीनी स्तर पर जो तैयारियां हुई हैं उसका विश्लेषण करते हुए और ज़्यादा जो वातावरण है उसको हम मतों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इस पर हम योजना बना रहे हैं। यह एक्सरसाइज कोई 2 दिन की नहीं है और यह मेरे आने पर यह एक्सरसाइज हो रही है, ऐसा नहीं है। पिछले 4 सालों से लंबी एक्सरसाइज जमीनी स्तर पर हुई है और आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से लोग, सभी समाज के वर्ग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को आतुर हैं, वह इस बात को इंगित करता है कि चुनावी समर में माहौल किस ओर है यह सब लोगों को ज्ञात हो चुका है। कुछ यहाँ के सीटों के विषय हैं वो जल्द ही फैसले होंगे और चर्चाएं जारी हैं। फेज वाइज हम सीटों को डिक्लेयर करते हैं और यहाँ की भी सीटें कुछ रह गई हैं उसको जल्द ही डिक्लेयर करेंगे। यहाँ कार्यकर्ताओं के जो मैं मन देख रहा हूँ, अभी जो मेरी थोड़ी मुलाकात हुई है उससे भी मैं ये देखता हूँ कि मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाने के लिए कार्यकर्ता ने कमर कस ली है।